दोस्तों, आज मैं लेकर के आई हूँ अल्टीमेट वे, एक अल्टीमेट तरीका टेबल्स को लर्न करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को लर्न करने के लिए, जो कि बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। हालांकि वो डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, ना कि आपको सोचना है ना कि मुझे सोचना है कि वो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स डिफिकल्ट होते भी हैं। इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, लेकिन है कि बच्चों को याद करवाना। कैसे याद करवाना, इसके ऊपर आपने हजारों, आई थिंक बहुत बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पर जो कि आपने देखी होंगी, और उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स भी बहुत अच्छे से बताए जाते हैं कि कैसे बच्चों को टेबल्स लर्न कराया जाए एज अ मदर और एज अ टीचर। मैं आपके साथ एक अल्टीमेट मेथड शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए, आपके बच्चे को टेबल सिखाने में। तो मेरे साथ बने रहिए अल्टीमेट मेथड जानने के लिए। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो स्कूल्स में नेशनल एंथम सिखाए जाते हैं, प्लेज लर्न कराया जाता है, जो स्टूडेंट प्लेज होता है, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जो लर्न करवाया जाता है, तो ये किस तरह से लर्न करवाया जाता है? क्या इसके लिए कोई ट्रिक होती है? ना। जब आप किसी गाने को याद करते हैं, है ना, गाना याद करते हैं, तो क्या उसके लिए भी आप कोई ट्रिक यूज करते हैं? नहीं। किसी भी चीज को जब हम लर्न करते हैं, चाहे हमें नेशनल एंथम याद करना हो, चाहे हमें और कोई प्रेयर्स, हिंदू प्रेयर्स याद करनी हो, मुस्लिम प्रेयर्स याद करनी हो, क्रिश्चियन प्रेयर्स याद करनी हो, एनीथिंग, जो भी हमें याद करने की चीजें होती है, जो भी लर्न करना होता है, तो हर चीज के लिए हमारे पास टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होते हैं। उसका एक अल्टीमेट मेथड ये है कि हम रटे उसको बार बार रिपीट 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 करें। बार बार रिपीट करने से चीजें हमारे दिमाग पर बैठ जाती है और हमें वो याद हो जाता है और हम उसे भूलते नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट, जब आप बच्चे को टेबल लर्न कराना सिखा रहे हैं, तो बहुत ही छोटी उम्र में, छोटी सी उम्र में उसे टेबल लर्न कराना शुरू कीजिए। बिकॉज जो भी चीजें हम बचपन में सीखते हैं, उसे भूलने के बहुत कम चांसेस होते हैं। बचपन में दिमाग बच्चों का बिल्कुल खाली होता है, शार्प माइंडेड होते हैं सारे बच्चे, कोई डल माइंडेड नहीं होता, सारे बच्चे शार्प माइंडेड होते हैं और इजीली वो लर्न भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि बच्चों को रटवाना ही होगा, चाहे किसी भी तरीके से आप करवाइए। टिप्स एंड ट्रिक्स ठीक है, बच्चों के लिए एंजॉयबल होते हैं, अच्छा लगता है देखने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, करने में भी बड़ा मजा आता है, बच्चों को भी आपको भी, लेकिन टिप्स एंड ट्रिक्स एग्जाम में काम नहीं आते हैं। एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है, लिमिटेड टाइम होता है, जिसके बीच में हमें एग्जाम को कंप्लीट करना होता है, और जब हम टिप्स एंड ट्रिक्स के पीछे लग जाते हैं, दैट टाइम वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट आवर आंसर विद इन द गिवन टाइम। वी हैव टू लर्न इट अंटिल एंड अनलेस वी मग अप। जब तक कि हम उसको लर्न ना करें, मग अप ना करें, वी विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस द सेम थिंग इन एग्जाम। बिकॉज लर्न करना है, ये बात नहीं, लर्न करने के साथ साथ उसे हमें प्रोड्यूस भी करना है ड्यूरिंग एग्जाम और ड्यूरिंग ओरल, व्हेन द ओरल इज गोइंग ऑन इन आवर स्कूल्स। स्कूल्स में सिर्फ रिटन एग्जाम तो होता नहीं है, ओरल भी होता है, ऑब्वियसली डीएवी में तो ओरल होता ही है, और क्लास एलकेजी से लेकर के 2 तक के लिए तो ओरल का ओरल होता है हमारा 40% का, 60% रिटन होता है और 40% ओरल होता है। तो ओरल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ सकते हैं। तो ओरल क्या बच्चे को सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने से आएंगे? बिल्कुल नहीं। बच्चे को उसे लर्न करना होगा, उसे बार बार रटना होगा, रटना। लिसन, सारे लोग सोचते हैं कि रटाना, बच्चे को रटवाना, ये सही नहीं है। बच्चे को समझ में आना चाहिए, ठीक है, बच्चा आपका समझेगा भी, आप उसको समझा भी दीजिए कि 2 2s are 4, 2 3s are 6, ये क्या चीज है, उसको समझाना भी है कि वो क्या है, वो कैसे हो रहा है। 2 2s are, यानी कि 2 2 मिलेंगे तो 4 होंगे, 3 2, इसे 3 2 अगर मिलेंगे तो 6 हो जाता है। ये चीजें समझना तो है ही बच्चे को, लेकिन उसे लर्न करना होगा, मगअप करना होगा, रटना होगा। मैं बार बार एक ही चीज आपसे कह रही हूँ कि उसे रटना ही पड़ेगा। अच्छा, रटना ये वर्ड अच्छा नहीं लगता, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, तो स्कूल्स ने करिकुलम में एक नया वर्ड आया है और वो है ओरल ड्रिलिंग। ओरल ड्रिलिंग का मीनिंग ही है रटना। हम स्कूल्स में ओरल ड्रिलिंग करवाते हैं बच्चों को बार बार, एक जैसे कि हमने रोल नंबर वाइज करवा लिया या फिर बेंच वाइज बुलवा लिया बच्चों को, 1 by 1 इन द फ्रंट ऑफ द क्लास, और जो फ्रंट में है बच्चा वो बोल रहा है, उसके पीछे पीछे बाकी सारे बच्चे टेबल्स को बोलेंगे। ओके, दिस इज द वे वी डू। तो ये फाइनली है क्या, ये रटना ही है ना, तो बस वही है।
अगर आपको ये कहना अच्छा नहीं लगता है कि हमने रटवा करके टेबल याद करवाया, या फिर मुझे अगर ये कहना अच्छा ना लगे कि रटो, तो मैं कहूंगी कि ओरल ड्रिल करिए। टेबल्स के लिए ओरल ड्रिल इज द अल्टीमेट मेथड। ओरल ड्रिल के अलावा कोई मेथड नहीं है जिससे कि आप लर्न कर सके टेबल्स को। टेबल्स को लर्न करने के लिए द अल्टीमेट मेथड इज टू ड्रिल ओरल, ओरल ड्रिलिंग। ओके, अगर आप मुझसे सहमत हैं, इफ यू एग्री विथ मी, प्लीज गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नॉट मिस एनी ऑफ द नोटिफिकेशंस। और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए, एजुकेशनल वीडियोस मेरे सारे रिलेटेड है डीएवी पब्लिक स्कूल से, क्योंकि मैं डीएवी पब्लिक स्कूल की टीचर हूँ, तो उसी पब्लिकेशन की बुक्स का मेरे पास सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास एलकेजी से लेकर क्लास एलकेजी का है और क्लास थ्री का है और क्लास टू भी है। तो इसका आपको, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे या फिर आप मुझे अगर मेल करेंगे तो मैं जरूर आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी स्पेशली आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।